आज स्थानीय पद्मनर पार्क में पूर्व सांसद एवं पूर्व विधायक स्वर्गीय श्री सुंदरलाल तिवारी की दूसरी पुण्यतिथि स्वाभिमान दिवस के रूप में मनाई गई। इस अवसर पर उपस्थित कांग्रेस जनों ने अन्नदाताओं की कठिनाइयों तथा किसान आंदोलन के चलते केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए अन्नदाताओं की आवाज को और अधिक बुलंद किया। इस संबंध में कांग्रेस द्वारा SDM श्रीमती फरहीन खान को ज्ञापन पत्र भी सौंपा गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि राजेंद्र सिंह, पूर्व मंत्री एवं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्री कमलेश्वर पटेल, पूर्व मंत्री सतना विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा, राजेंद्र शर्मा, रामगरीब आदिवासी पूर्व विधायक, प्रदेश महिला कांग्रेस की कार्यवाहक अध्यक्ष श्रीमती कविता पांडे एवं स्वर्गीय सुंदरलाल तिवारी के पुत्र पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी संसदीय क्षेत्र रीवा श्री सिद्धार्थ तिवारी राज सहित अभय मिश्रा भी उपस्थित रहे। प्रस्तुत है एक झलकी सहित जानकारी के अंश। सरकार से, प्रशासन से कुछ मांगे प्रस्ताव था यहाँ पर, क्या मुख्य रूप से किस पर केंद्रित? देखिए, सर्वप्रथम पहली मांग तो हमारी ये थी कि 3 काले कानून तत्काल प्रभाव से वापस लिए जाएं। उसके बाद हमने ये बोला कि जो बीमा की फसल हमारी सरकार, कमलनाथ जी की सरकार ने निर्धारित किया था, वो तुरंत मिले, वो लोगों को मिल नहीं रहा। वृद्धा पेंशन में जो 100 रुपये हर साल बढ़ने थे, एक साल हो चुका है, वो नहीं बढ़ा। हमारे यहाँ सिंचाई के कुछ मुद्दे हैं, नगर निगम के कुछ मुद्दे हैं। इस तरह के लेकर के हम लोगों ने 11 मांगों का एक मांग पत्र दिया है और ये चेताया भी है प्रशासन को कि ये जो हमारे ज़िले की मांगे हैं, अगर ये पूरी नहीं हुई तो 1 महीने के बाद हम 9 के 9 ब्लॉकों का घेराव करेंगे और सरकार की नाक में दम कर देंगे। ये अब इस मुद्दे पर चूँकि बीजेपी विधायक भी हैं, तमाम लोग अब जुड़ रहे हैं, तो क्यों अब ये चीज़? आप देखिए, पहली बात तो विंध्य प्रदेश का फिर उसके साथ सूट नहीं करता। विंध्य प्रदेश ही एक ऐसा प्रदेश है जो कि अस्तित्व में था, उसके बाद उसका विलय किया गया और मांग उठ रही है। अगर मांग उठ रही है तो इसका मतलब अभी भी कहीं ना कहीं लोगों के मन में टीस है। मैं विंध्य का निवासी हूँ, विंध्य की कहानियाँ सुनी हैं, मैं खुद देखता हूँ कि कैसे लोगों को रोज़गार के लिए बाहर जाना पड़ता है, हमें हमारा हक नहीं मिलता, तो ये मुद्दा तो सर्वोपरि हमारे लिए है। अब आपने एक बात की भारतीय जनता पार्टी के विधायक की, आप विधायक और भारतीय जनता पार्टी अलग हैं क्या? अगर अलग हैं तो विधायक जी अपनी पार्टी छोड़ें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी विंध्य के मुद्दे को सपोर्ट नहीं करती है। उनके सांसद ने यहाँ एक प्रोग्राम में रिकॉर्ड में ये बोला है। आज आपने भी इस मंच से उस बात का एक तरह से समर्थन किया, मतलब आप भी पुनर्गठन की बात कर रहे थे कि विंध्य प्रदेश का प्रस्ताव श्रीनिवास तिवारी ने दिल्ली भेजा, तमाम तरह की चीज़ जी। तो आप मतलब मेन इशू क्या है विंध्य प्रदेश के पुनर्गठन को लेकर, क्यों अब ये चीज़ें निकल कर सामने आई? इसलिए कि छोटे प्रदेशों में हम लोगों ने देखा है, छत्तीसगढ़ भी जब बना, छत्तीसगढ़ पिछड़ा था, लेकिन जब बना है तो आज हम ये अनुभव कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ हमसे आगे निकल गया है विकास। तो छोटे प्रदेश ज़्यादा विकास करते हैं और उस पर निगरानी अच्छी रहती है, संसाधनों का बेहतर उपयोग होता है, इसलिए विंध्य प्रदेश की मांग कर रहे हैं। और केंद्र सरकार को तो हामी तत्काल भरनी चाहिए, चूँकि तो अटल जी ही कहा करते थे छोटे राज्य ज़्यादा, उनके समय ही बना था छत्तीसगढ़, उनके ही समय उत्तराखंड बना था, उनके समय ही वो बना था झारखंड बना था, तो आज विंध्य प्रदेश बनाने में क्या दिक्कत? जो मांगे थी उनको लेकर जी अब SDM साहब तो इससे ज़्यादा कह नहीं सकती, वो तो ले सकती हैं, पर जो हम लोगों के प्रस्ताव हैं रीवा की समस्याओं से लेकर किसान की जो समस्याएं हैं, मजदूरों की समस्याएं हैं, जो योजनाएं कांग्रेस ने शुरू की थी, पेंशन वाली, बिजली के बिल वाली 100 रुपये देना और पेंशन बढ़ाना गरीबों की, और यहाँ की पेयजल समस्या, और जो बहुत सारे करप्शन के यहाँ पर हैं चीज़ें, उन सब के बारे में ज्ञापन दिया। और कोई चीज़? 2018 नुकसान हो रहा है पार्टी में? नहीं, ये शुरुआत हम लोग कर रहे हैं, ये एहसास है पार्टी को, नेताओं को, हम लोग सभी इस बात को समझते हैं। और अभी सतना में सेवा दल का कार्यक्रम हुआ, प्रशिक्षण का कार्यक्रम हुआ 7 दिन का। 17-18 को पंचायती राज जो प्रकोष्ठ है प्रदेश का और जिले का, वो कार्यक्रम कर रहा है और वो आ रही हैं, मीनाक्षी नटराजन जी आ रही हैं। तो पंचायतों के संबंध में किस तरह से हमारे कार्यकर्ता अपनी आवाज़ उठाएं, किस तरह से जुड़ें वहाँ पर लोगों से,
कि ये सारी कार्यक्रम हम लोग अब आगे शुरू कर रहे हैं। एक आखिरी को भी नुकसान हो रहा है? हाँ, कुछ हद तक तो मैं सहमत हूँ, और इस पर हमारे वरिष्ठ नेता कमलनाथ जी, मुकुल वासनिक जी, ये लोग मंथन कर रहे हैं, और निकट भविष्य में ही आपने सागर से शुरुआत देखी है, सागर में परिवर्तन किया है, छतरपुर में किया है, छिंदवाड़ा में किया है, तो जहाँ आवश्यक होगा वहाँ परिवर्तन करेंगे, और कोशिश हम लोगों की यही है कि नीचे से ऊपर मजबूती हो कांग्रेस, ऊपर से नीचे नहीं, नीचे से ऊपर। पार्टी का कोर वर्कर छूट गया निकाय चुनाव में, क्या सेकंड लाइन वर्कर जो आपकी पार्टी का वर्कर है उसको प्राथमिकता दी जाएगी, या फिर से बाहर से आए हुए नेताओं के भरोसे? नहीं, देखिए, बाहर से लोगों को, आए लोगों को टिकट देना अपवाद हो सकता है, अपवाद स्वरूप। जहाँ मान लीजिए हमारे पास कोई जीतने वाला दूसरा नहीं है, हम दे सकते हैं, और जो रीति नीति और सिद्धांत में कांग्रेस के विश्वास व्यक्त करता है और वो जीत सकता है, क्यों नहीं, उसको दिया जा सकता है। लेकिन कोर जो हमारा वर्कर है उसको हम नज़रअंदाज नहीं होने देंगे, निश्चित मानिए। रीवा में अपार नहीं था।